हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ट्रिकी बिजनेस विद आरपी। यू आर वाचिंग ट्रिकी बिजनेस। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे चैनल का नाम ही है ट्रिकी बिजनेस, एक नया ट्रिक देना। तो आज मैं आ गया हूँ आपके लिए क्लास 12th केस स्टडी के लिए पांच मेन कंटेंट को लेके। क्या क्या पांच मेन कंटेंट है जिनको पढ़ने के बाद, जिनको अपने स्टडी में अप्लाई करने के बाद आप केस स्टडी को बड़ा ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको पांच कंटेंट बताऊंगा, पांच तरीका। दोस्तों मैं पांच के बारे में बारी बारी से डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला पॉइंट लेंगे, कंप्लीट कोर्स। मतलब आपका पहला काम क्या है कि आपका जो कोर्स है, चैप्टर क्लास 12th में जितने भी आपके सिलेबस है बिजनेस स्टडी का, आपको पहले पूरा पहले खत्म करना है, पूरा पहले पढ़ना है। जितना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है हर चीज, पहले आपको खत्म करना है वो, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है केस स्टडी सॉल्व करने। बिना कोर्स खत्म किए ही आप केस स्टडी पहुंच गए तो आप उसका एक पत्ता भी नहीं ला पाओगे दोस्त। जब तक आपका पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता है, जब तक आपको हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज नहीं हो जाती है, आप केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहला काम आपका है कोर्स खत्म करना। जितने चैप्टर है उसको ध्यान से, अच्छी तरह उसका एक बेसिक पार्ट को ध्यान से पढ़ना, तभी आप केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे से पहले वीडियो आ चुका है, उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप जाकर ध्यान से पढ़ सकते हैं, उसको जाकर आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। मतलब दिमागी कीड़ा, कि हमारे अंदर एक दिमागी कीड़ा घुसा हुआ है कि ये क्वेश्चन सॉल्व मैं कर नहीं कर सकता हूँ, केस स्टडी तो मेरे बस की नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। ये चीज पर अपने दिमाग से निकाल दो। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं दोस्त। अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है। तो कहने का मतलब है कि जितना आपके अंदर दिमागी कीड़ा है कि मैं चीज नहीं कर सकता हूँ, उसको पहले अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए। तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसको हमेशा नीचे से पढ़ना शुरू करो, नीचे से, कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में, किसके बारे में बताना है, फंक्शन बताना है, पार्ट्स पूछा गया है, टाइप्स पूछा गया है, क्या पूछा गया है। पहले आप फोकस करो कि क्या पूछा गया क्वेश्चन पे, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया, तो आपकी आधी केस स्टडी पहले ही सॉल्व हो जाएगी। एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है पांच फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। अब क्या कि हमारा दिमाग कहीं और नहीं जाएगा, हमारा दिमाग कहाँ जा चुका है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे। अब हमारे पास सिर्फ पांच दिक्कतें हैं कि पांच में से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। तो आप पहले जो क्वेश्चन है उसे आप ध्यान से दोबारा पढ़ो कि किसके बारे में, पांच में से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला काम क्या है आपका कि स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नीचे से पढ़ना शुरू करो, और जस्ट प्रैक्टिकल आओ कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। अगर आइडेंटिफाई पार्ट्स है, लिमिटेशन है, फीचर है, फंक्शन है, तो किस चैप्टर से पूछा गया है पहले ये पता लगा हुआ। जब ये पता लगा लोगे किस चैप्टर से पूछा गया है, उसका कॉन्सेप्ट आप अपने आप पता लगा लोगे। लेकिन कब, जब आप पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे, तभी आप ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है। अगर क्वेश्चन बिजनेस स्टडी का इंग्लिश में आएगा तो पहला काम होता है क्वेश्चन को समझने का। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है कम से कम आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इतना इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को समझ पाए और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी इसको पढ़ पाए। अगर बेसिक इंग्लिश आती है तो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रीड इन अ साइलेंट माइंड। मतलब कि फुल कॉन्सेंट्रेट से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, राम इज द सीईओ, और पीछे से आवाज आता है भाई पेंसिल दियो, आप बोलते नहीं अभी निभा दूंगा। मतलब क्या है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट खराब हो गया दोस्त। आप जो कॉन्सेंट्रेट बना रहे थे, पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका गलत हो गया। तो करना क्या है, पहले आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट से पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है इन अ साइलेंट माइंड, आराम से फोकस करके। क्योंकि जहां आपका दिमाग थोड़ा सा इधर से उधर हुआ, आपका कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाएगा और आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करोगे तभी आपको उसका सही सोल्यूशन मिल पाएगा। दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब जो क्वेश्चन आए उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि ये किराने से कंपनी है, कंपनी मेरी है,
खुद के ऊपर इसको अप्लाई करो, क्वेश्चन को एनालाइज करो अपने ऊपर कि ये बात मेरे बारे में की जा रही है। भावनाओं को नहीं, भावनाओं को समझो कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन मेरे बारे में बोला गया है। अगर कोई कंपनी है, हाँ मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, मेरे बारे में बात की जा रही है, उससे क्या होगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने ऊपर तो इसका सोल्यूशन आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि खुद पे अप्लाई किया हुआ हर एक चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट बहुत फास्ट बहुत जल्दी आता है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, अगर एक क्वेश्चन चल रहा है एक कंपनी का MD या CEO है और उसी कंपनी में उसका एक फ्रेंड जॉब करता है, जब हम इस चीज़ को अपने ऊपर एनालाइज करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारी थिंकिंग पावर जो है एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप खुद के ऊपर अप्लाई करोगे उसका सोल्यूशन आपको बहुत फास्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 पॉइंट जिनको आप अपनी स्टडी में अप्लाई करके केस स्टडी को आराम से इजी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये 5 पॉइंट जो है आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे केस स्टडी सॉल्व करने में। इसको ध्यान से अपने पढ़ाई में अप्लाई कीजिए और पता लगाइए कि क्या इससे पहले जब मैं केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाता था, क्या इसको अप्लाई करने के बाद मेरे अंदर ज़्यादा नहीं तो क्या 20% इंक्रीमेंट हुई है उसको सॉल्व करने की। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं 2 केस स्टडी सॉल्व करवाऊँगा विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन खुद के ऊपर करके। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे बताए हुए 5 चीज में से अगर कोई चीज़ भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करना ना भूले और ट्रिकी बिजनेस को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए ट्रिकी बिजनेस विद आरपी। धन्यवाद।